आज दुनिया की नजर में भारत क्या है? भारत वो देश है जहां आखिरी कतार में खड़ा आखिरी व्यक्ति अपने कर्मों के दम पर देश का राष्ट्रपति बन सकता है। भारत वो देश है जहां जात पात धर्म और वर्ग से ऊपर उठकर एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना दिया जाता है। आज का दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो चुका है। द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति पद की शपथ ली और मुर्मू देश की पहली ऐसी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने आजाद भारत में जन्म लिया है। उनसे पहले जितने भी राष्ट्रपति रहे उनका जन्म देश की आजादी से पहले हुआ था और वो 64 वर्ष की उम्र में इस पद पर बैठने वाली सबसे युवा राष्ट्रपति हैं। आज संथाल आदिवासी समाज में पैदा हुई बेहद गरीब परिवार में पलने वाली द्रौपदी मुर्मू आज से मैडम प्रेसिडेंट कहलाएंगी और मैडम ही क्या, अब तो मैडम भी वही हैं और सर भी वही हैं। एक महिला के लिए सफलता के शिखर तक पहुंचने का संघर्ष बहुत मुश्किल होता है। उसे जीवन में हर स्तर पर लड़ना होता है। उसे सामाजिक परंपराओं के बंधन तोड़ने होते हैं। उसे समाज की महिला विरोधी सोच से भी हर बार लड़ना होता है। उसे परिवार की उन बेड़ियों को तोड़ना होता है जो बचपन से ही उसकी उड़ान रोकने के लिए बांधी जाती हैं। और इस सब के बावजूद अगर कोई महिला उच्च पद तक पहुंचती है तो कई बार पूरी व्यवस्था उसे पीछे खींचने के प्रयास में लग जाती है। सोचिए, एक आदिवासी महिला ने एक छोटे से गांव से अपने संघर्षों की शुरुआत की और आज वो देश की राष्ट्रपति हैं। सबसे पहले हम आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण की सबसे शानदार तस्वीरें दिखाना चाहते हैं क्योंकि ये तस्वीरें देश के हर वर्ग की महिलाओं को प्रेरणा देंगी और ये बताती हैं कि किसी भी महिला के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धा पूर्वक भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगी। मेरा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने भी देख सकता है और उन्हें बुरा भी कर सकता है। मैं गरीब दलित पिछड़े तथा आदिवासी मुझे ये अपना प्रतिबिंब देख सकता। जब एक आदिवासी महिला जिसे जीवन में कुछ भी आसानी से ना मिला हो वो देश की राष्ट्रपति बनती है तो वो पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा बन जाती है। द्रौपदी मुर्मू ने 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने के बाद अपने संबोधन में 4 ऐसी बड़ी बातें कही हैं जो आप सबको उम्मीद, प्रेरणा और शक्ति से भर देंगी और ये बातें आज आपको बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। ये भी एक संयोग है कि जो देश अपनी आजादी के 50वें वर्ष का पर्व मना रहा था तभी मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी।
और आज आजादी के 75वें वर्ष में मुझे ये नया दायित्व मिला है। मैं देश की ऐसी पहली राष्ट्रपति भी हूँ जिसका जन्म आजाद भारत में हुआ है। मैंने अपनी जीवन यात्रा पूर्वी भारत में ओडिशा के एक छोटे से आदिवासी गांव से शुरू की थी। मैं जिस पृष्ठभूमि से आती हूँ वहाँ मेरे लिए प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना भी एक सपने जैसा ही था, लेकिन अनेक बाधाओं के बावजूद मेरा संकल्प दृढ़ रहा और मैं कॉलेज जाने वाली अपने गांव की पहली बेटी थी। मैं जनजातीय समाज से हूँ और वार्ड काउंसिलर से लेकर भारत की राष्ट्रपति बनने तक का अवसर मुझे मिला है। ये लोकतंत्र की जननी भारतवर्ष की महानता है। ये हमारे लोकतंत्र की ही शक्ति है कि उसमें एक गरीब घर के पैदा होने बेटी, दूर सुदूर आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुई बेटी भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचा। राष्ट्रपति के पद पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत की प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। मेरा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने भी देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। और ये मेरे लिए बहुत संतोष की बात है कि जो सदियों से वंचित रहे, जो जीवन विकास के लाभ से दूर रहे, वे गरीब, दलित, पिछड़े तथा आदिवासी मुझे ये अपना प्रतिबिंब देख सकते। मेरे इस निर्वाचन में देश के गरीब व का आशीर्वाद शामिल है। देश की करोड़ों महिलाओं और बेटियों के सपनों और सामर्थ्य की झलक है। मेरे इस निर्वाचन में पुराने लीक से हटकर नई रास्ता पर चलने वाले भारत के आज के युवाओं का साहस भी शामिल है। ऐसे प्रगतिशील भारत का नेतृत्व करते हुए आज मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मैं आज समस्त देशवासियों को, विशेषकर भारत के युवाओं को तथा भारत की महिलाओं को ये विश्वास दिलाती हूँ कि इस पद पर कार्य करते हुए मेरे लिए उनके हित सर्वोपरि होंगे। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के मयूरभंज जिले में एक छोटे से गांव ऊपरबेड़ा की रहने वाली हैं। वहां उनका जो घर है उसकी छत खपरेल की बनी हुई है। कच्ची छत के उस मकान में बहुत गिने चुने कमरे हैं जिसमें द्रौपदी मुर्मू के परिवार के कुछ लोग आज भी रहते हैं। द्रौपदी मुर्मू ने कच्ची छत के 4 कमरे वाले उस मकान से 340 कमरों वाले राष्ट्रपति भवन तक का ये शानदार सफर तय किया है। आज उनका नया पता रायसीना हिल्स है, दिल्ली का रायसीना हिल्स। हम आपको उनके इस नए घर से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी आज बताते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने राष्ट्रपति भवन की सिर्फ तस्वीरें देखी होंगी, कभी करीब से इसे देखा नहीं होगा। द्रौपदी मुर्मू के नए घर यानी राष्ट्रपति भवन में 340 कमरे हैं। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रपति भवन है। पहले नंबर पर है इटली का राष्ट्रपति भवन। और राष्ट्रपति भवन वर्ष 1912 से बनना शुरू हुआ था जब भारत गुलाम था, और इसे बनने में 17 वर्ष लगे। भारत के राष्ट्रपति भवन में एक दरबार हॉल है जहां एक कुर्सी है जिस पर राष्ट्रपति बैठते हैं। और इस कुर्सी की लोकेशन से जुड़ी एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इसे अगर एक सीधी लकीर इससे खींची जाए तो ये राजपथ होते हुए दूसरे छोर पर इंडिया गेट के बीचों बीच जाकर मिलती है। इसी दरबार हॉल में बड़े बड़े राजकीय समारोह और पुरस्कार वितरण जैसे कार्यक्रम होते हैं। और राष्ट्रपति भवन के खंभों में घंटियों का एक डिजाइन बना हुआ है, इसे डेली ऑर्डर कहा जाता है। ब्रिटिश हुकूमत का ऐसा मानना था कि अगर ये घंटियां स्थिर रहें तो सत्ता लंबे समय तक चलती रहेगी। हालांकि ऐसा हो नहीं पाया। राष्ट्रपति भवन बनने के बाद से ही उनकी हुकूमत कमजोर होती चली गई थी।
विदेशों से आने वाले राष्ट्राध्यक्ष नॉर्थ ड्राइंग रूम में राष्ट्रपति से मिलते हैं और इस कमरे में देश के पूर्व राष्ट्रपतियों की तस्वीरें भी लगी हुई हैं। राष्ट्रपति भवन में दो बड़े अनोखे ड्राइंग रूम्स हैं, इन्हें येलो और ग्रे ड्राइंग रूम कहा जाता है। येलो रूम में छोटे राजकीय समारोह होते हैं और ग्रे ड्राइंग रूम में अतिथियों का स्वागत किया जाता है। राष्ट्रपति भवन में होने वाले बड़े समारोह अशोक हॉल में किए जाते हैं और इस हॉल में जो कालीन बिछा हुआ है उसे 500 कारीगरों ने मिलकर बनाया था। अशोक हॉल की छत पर देशी नहीं बल्कि विदेशी सम्राटों से जुड़ी चित्रकारी की गई है और राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन आम लोगों के भी आकर्षण का केंद्र हमेशा रहता है। 15 एकड़ में फैले मुगल गार्डन में वर्ष 1928 से ही पौधे लगाने का काम चल रहा है और यहां के फूलों के नाम भी देश विदेश के प्रसिद्ध लोगों के नाम पर रखे गए हैं। ऐसी विशेषताओं वाला राष्ट्रपति भवन अब द्रौपदी मुर्मू का नया घर होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि 340 कमरों के इस विशाल मकान में, इस विशाल भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आखिर किस कमरे में रहेंगी? आम नागरिकों की सोच यही है कि द्रौपदी मुर्मू के लिए राष्ट्रपति भवन का सबसे बड़ा और सबसे विशेष कमरा चुना गया होगा। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 340 कमरों और इतने विशाल परिसर वाले इस राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू एक गेस्ट रूम में रहेंगी। अगले 5 वर्षों तक द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन के गेस्ट रूम में रहकर अपना कार्यकाल पूरा करेंगी। भारत में नए राष्ट्रपति का स्वागत 21 तोपों की सलामी के साथ होता है। देश के मुख्य न्यायाधीश संसद भवन के सेंट्रल हॉल में नए राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ दिलवाते हैं और उसके बाद नए राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। यह परंपरा कई दशकों से ऐसे ही चली आ रही है और आज आपको भारत ही नहीं कई देशों में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से जुड़ी कुछ रोचक बातें भी जरूर जाननी चाहिए। जैसे तंजानिया में राष्ट्रपति जब शपथ लेता है तो उसे एक भाला और ढाल दी जाती है। वर्ष 1961 में ब्रिटेन से आजादी मिलने के बाद से ही यह परंपरा चल रही है। तंजानिया में भाले और ढाल को नेतृत्व और सैन्य क्षमता का प्रतीक माना जाता है और यह वहां की मसाई जनजाति का एक हथियार भी है। इंडोनेशिया में राष्ट्रपति जब शपथ लेते हैं तो उनके सिर के पास एक धार्मिक पुस्तक रखी जाती है और इस पुस्तक की छाया में राष्ट्रपति को शपथ लेनी होती है। यह पुस्तक नए राष्ट्रपति के धर्म से जुड़ी हुई होती है। फिलीपींस में भी राष्ट्रपति पद की शपथ बड़े अनोखे ढंग से होती है। यहां पर राष्ट्रपति को शपथ के लिए पाइनएप्पल यानी अनानास के फाइबर से बनी एक शर्ट पहननी होती है और इस परंपरागत शर्ट को बेरोंग टागालोग कहा जाता है। रशिया में राष्ट्रपति को शपथ के बाद सोने की एक खास चेन दी जाती है और शपथ के दौरान संविधान की कॉपी और प्रेसिडेंट चेन ऑफ ऑफिस मंच पर रखी जाती है। प्रेसिडेंट्स चेन ऑफ ऑफिस। नया राष्ट्रपति संविधान की कॉपी पर हाथ रखकर शपथ लेता है और फ्रांस में भी राष्ट्रपति पद की शपथ नहीं ली जाती, वहां पर जीत के ऐलान के साथ ही राष्ट्रपति बन जाते हैं। हालांकि राष्ट्रपति बनने के बाद कई तरह के सामाजिक आयोजन वहां होते हैं जिसमें शामिल उन्हें होना होता है। वहां पर नए राष्ट्रपति को जीत के बाद सोने से बना एक ग्रैंड कॉलर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर दिया जाता है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की जो शपथ होती है उसे राष्ट्रपति बाइबल पर हाथ रखकर लेते हैं और राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले दिन को वहां पर इनॉग्रेशन डे कहा जाता है। तो हर देश की अलग अलग परंपराएं हैं। हर देश का जब राष्ट्रपति चुना जाता है और जब शपथ लेता है तो सबकी अलग अलग परंपराएं होती हैं जिनके बारे में आज हमने आपको बताने की कोशिश की है। भारत का राष्ट्रपति देश की सियासी और सैन्य दोनों शक्तियों से बहुत गहरा संबंध रखता है। तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ भी देश का राष्ट्रपति होता है। देश की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के लिए मैडम प्रेसिडेंट हैं तो तीनों सेनाओं के लिए मैडम सर होंगी। वैसे हमारे देश में राष्ट्रपति पद को रबर स्टैंप भी कह दिया जाता है जो कि गलत है। दरअसल इसके पीछे वजह यह है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की शक्तियां सीमित हैं लेकिन ये इतनी भी सीमित नहीं है कि इन्हें कोई भी नजरअंदाज कर पाए या इनकी गरिमा को हल्के में लिया जाए। भारत की संसद से पास हुआ कोई भी बिल, कोई भी कानून तब तक कानून नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करते। राष्ट्रपति अपने चुने गए 12 उम्मीदवारों को राज्यसभा भी भेज सकते हैं और इन्हें नामित सदस्य कहा जाता है। संसद के से पास हुए मनी बिल के अलावा राष्ट्रपति किसी भी बिल को पुनर्विचार के लिए वापस भी भेज सकते हैं। इसे राष्ट्रपति के कड़े संदेश के तौर पर देखा जाता है। हालांकि दोबारा वही बिल भेजने पर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने ही होते हैं। देश के प्रधानमंत्री को
पद की शपथ दिलाने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास होता है। मुख्य न्यायाधीश को भी राष्ट्रपति ही शपथ दिलाते हैं और किसी भी अपराधी की मौत की सजा को माफ करने का एकमात्र अधिकार देश के राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भारत के शीर्ष पद पर पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि भारत ही नहीं आज दुनिया के किसी भी कोने में महिलाओं के लिए सत्ता के शीर्ष तक पहुंचना आसान काम बिल्कुल भी नहीं है। महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले ज्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं, ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, और हमारी जो महिला दर्शक हैं वो इस बात को अच्छी तरह से समझ पाएंगी कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये बातें केवल भारत के संदर्भ में ही लागू नहीं होती, बल्कि पूरी दुनिया के लगभग यही हालात है। प्यू रिसर्च सेंटर की एक स्टडी के मुताबिक वर्ष 1950 के बाद के वर्षों में मंगोलिया पहला देश था जिसका नेतृत्व एक महिला के हाथों में था। इसके बाद 1966 में इंदिरा गांधी पूरी दुनिया में दूसरी ऐसी महिला थीं जो भारत जैसे बड़े देश की प्रधानमंत्री बनी। 1991 तक दुनिया में ऐसे 20 देश हो चुके थे जिसका नेतृत्व कभी ना कभी किसी महिला ने किया। इसके बाद वर्ष 2021 तक दुनिया में कुल 70 ऐसे देश हुए जिनका नेतृत्व कभी ना कभी किसी महिला के हाथों में रहा। इनमें से बांग्लादेश ऐसा देश है जहां पिछले 50 वर्षों में सबसे लंबे समय तक महिला नेतृत्व रहा है, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों की सत्ता में महिलाओं की भागीदारी काफी सीमित रही है और उनकी संख्या भी बहुत धीरे धीरे बढ़ी है। यूनाइटेड नेशंस की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के केवल 24 देशों में ही महिलाएं राष्ट्राध्यक्ष के पद पर रही थी, और इसमें भी सिर्फ 10 महिलाएं राष्ट्र प्रमुख यानी हेड ऑफ स्टेट के पद पर थीं, जबकि 13 महिलाएं उस देश की सरकार की प्रमुख यानी प्रधानमंत्री जैसे पदों पर थीं। अगर दुनिया के देशों के कैबिनेट में महिलाओं की भागीदारी की बात की जाए तो कैबिनेट के अंदर सिर्फ 21% महिलाएं ही मौजूद थीं, और दुनिया में सिर्फ 14 ऐसे देश थे जहां के मंत्रिमंडल यानी सरकार चलाने वाले सिस्टम में महिलाओं की संख्या 50% या उससे ज्यादा थी। सत्ता में भागीदारी की बात की जाए तो दुनिया भर के देशों की संसद में वर्ष 2021 तक औसतन सिर्फ 25% महिलाएं ही मौजूद थी, और सिर्फ 4 ऐसे देश थे जहां की संसद में महिलाओं की संख्या 50% यानी आधी या आधी से अधिक थी। आप ये जानकर हैरान होंगे कि वो 4 देश हैं रवांडा, क्यूबा, बोलिविया और UAE, जहां की संसद में 50% से अधिक महिलाएं थी। और अगर दुनिया इसी दर से सत्ता में जेंडर इक्वलिटी के लक्ष्य की ओर बढ़े तो बराबरी की हिस्सेदारी तक पहुंचने में अभी 130 वर्ष लग सकते हैं। वैसे देखा जाए तो महिलाओं के मामले में भारतीय उपमहाद्वीप बाकियों से काफी बेहतर रहा है। भारत हो या बांग्लादेश, श्रीलंका हो या पाकिस्तान, इन सभी देशों में महिलाएं प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति पद पर रह चुकी हैं। हमारे देश में रह चुकी हैं, आपने देखा होगा, श्रीलंका में भी रह चुकी हैं, पाकिस्तान में भी महिला प्रधानमंत्री रही हैं और बांग्लादेश में भी रह चुकी हैं। तो उस मामले में हमारा जो भूखंड है ये बाकी दुनिया से बेहतर है। अब द्रौपदी मुर्मू की शपथ का सार हम आपको ब्लैक एंड व्हाइट में समझाते हैं। द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना देश के करीब 10% आदिवासी समुदाय को एक शानदार पहचान और सम्मान मिलने जैसा है। ये आदिवासी समुदाय को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की एक बहुत बड़ी कोशिश है, और ये उन लोगों के अंदर उत्साह के संचार जैसा है जो सपने देखते हैं लेकिन आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाते। द्रौपदी मुर्मू जब राष्ट्रपति पद की शपथ ले रही थीं तब पूरा देश भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती को निहार रहा था, क्योंकि यही तो भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती भी है और सबसे बड़ी ताकत भी है। ये भारत में ही मुमकिन हो सकता है कि आदिवासी समाज का कोई व्यक्ति देश के सर्वोच्च पद पर बैठ जाए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में कोई भी आज तक महिला राष्ट्रपति पद पर नहीं रही, अभी भी वहां पर सारे पुरुष ही राष्ट्रपति रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना यह बताता है कि कमजोर व्यक्ति के लिए मेहनत ही उसका अंतिम हथियार है। उसके लिए सही समय पर सही जगह पर होना बहुत जरूरी है, और इसके लिए उसे कभी हार ना मानने वाली मानसिकता को अपनाना होगा। सोचिए, परिवार के साथ हुई त्रासदी के बाद अगर द्रौपदी मुर्मू डिप्रेशन में जाकर हार मान लेती तो क्या वो आज देश के राष्ट्रपति बन पाती? काबिलियत के साथ साथ कभी हार न मानने वाली मजबूत मानसिकता सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है, और आज आप द्रौपदी मुर्मू से यही सीख सकते हैं। वो अपने गांव की पहली ऐसी लड़की थी जो पढ़ने के लिए भुवनेश्वर तक जा पाई। अगर तभी हिम्मत हार गई होती तो आज यहां तक ना पहुंचती।
द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने में बहुत से लोगों को राजनीति भी दिखाई दे रही है, सियासी समीकरण दिखाई दे रहे हैं, और अगर ये राजनीति है भी, पल भर के लिए मान भी लीजिए, तो भी ये समाज में सबसे नीचे खड़े व्यक्ति को आगे बढ़ाने वाली एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स है, यानी आगे बढ़ाने वाली राजनीति है, जो देश के लिए बहुत अच्छी है। और शायद इसीलिए राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में विपक्ष के भी कई नेताओं ने वोट किया, क्रॉस वोटिंग हुई। और ये क्रॉस वोटिंग बताती है कि जब राजनीति में देश के पिछड़ों को आगे लाने की कोशिश होती है तो पक्ष विपक्ष का कोई अर्थ नहीं रह जाता, और यही भारत की असली ताकत है। तो आज द्रौपदी मुर्मू से आपको बहुत कुछ सीखना चाहिए, और जो कुछ जो तस्वीरें, ऐतिहासिक तस्वीरें आज हमने देखी हैं, वो लोकतंत्र की खूबसूरती को बताती हैं, लोकतंत्र की ताकत को बताती हैं। एक गरीब घर की बेटी जीवन भर संघर्ष करके आज देश के सर्वोच्च पद पर पहुंची, ये देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है।